खबरों पे स्टॉक उल्टा रिएक्ट करते हैं। कल इंडियन ओवरसीज बैंक देखो ऊपर चला रहा है, तो खैर हमारा मुझे चला नहीं, मेरा धर्म है आपको खबर बताना। खबर अच्छी नहीं है, 228 करोड़ का इनको टैक्स नोटिस मिला है, इसलिए इसको रेड में रखिएगा। एसोसिएटेड अल्कोहल ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लिकर बनाते हैं, तो इनको मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में देसी लिकर बेचने का लाइसेंस मिला है। एस्टिमेटेड कंजम्पशन 183 लाख प्रूफ लीटर्स है। हालांकि ये इन्होंने एक अपडेट ये भी दिया है कि इनके पास पहले से भी सप्लाई का पूरा डिटेलिंग रहती है, लाइसेंस रहता है, तो इनको एडिशनल वो जिले मिले हैं, तो इसलिए उसको रख सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रमोटर ने भी इन्फ्यूजन करा हुआ है, पैसा डाला हुआ है। अच्छा भाई, इसीलिए डाला है वीकेंड में? नहीं पता, नहीं वीकेंड पे प्रेफरेंशियल इशू था प्रमोटर्स को प्रीमियम पे, ऐसा कुछ 500 हो गया। चलो कल चला। ओके, तो आज वाली खबर पे देखते क्या होता है। नाइन्थ स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। इसमें दो तीन रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी है, एक ताज़ा रिपोर्ट आई सिटी की, इन्होंने इसका लक्ष्य बढ़ा कर दिया 1758 रुपये, 1564 से। क्यों बढ़ाया इन्होंने आपको याद होगा, कल इनके पोर्ट के डेटा आया था बिजनेस अपडेट की, कितना खूब मतलब रिकॉर्ड इन्होंने माल की ढलाई की, ऑफ लोड ऑन लोड किया है, तो उसकी वजह से इन्होंने टारगेट बढ़ाए। और सिटी ये कह भी रहा है कि इनका जो वॉल्यूम इन्होंने रिपोर्ट किया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और एबिटा की ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनको लगता है कि यहाँ से अच्छा कैश फ्लो बनेगा। दसवां स्टॉक है डिफेंस कंपनी, जिस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है HAL, लक्ष्य 3900 रुपये। उनका कहना है ये बड़े इंटरेस्टिंग, कहना है जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमें लगता है इन ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा। और कल ही एक्सपोर्ट डेटा आया है जो कि 88,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है HAL, मतलब पूरे डिफेंस का, तो HAL को ध्यान में रख सकते हैं आज। अब आइए अगले लाल हरे, लाल हरे पे। तो पहला लाल है भारत डायनामिक्स, इसने Q3 का अपडेट दिए, चला हुआ स्टॉक है, डिसअपॉइंटमेंट का रूम नहीं है। FY24 का टर्नओवर गिर गया है, हालांकि ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, अनऑडिटेड आंकड़े हैं, 2350 करोड़ रुपए वर्सेस 2490 करोड़ रुपए, इसमें कहते 4-5% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। हालांकि उस डिक्लाइन के पीछे रीजन भी रख रहे हैं कि रिडक्शन इन टर्नओवर इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट विच हैज अफेक्टेड द सप्लाई चेन ऑफ द कंपनी। तो जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट है जिसके चलते ये टर्नओवर डेंट हुआ, पर मैं इसको लाल लेता हूं। डिफेंस स्टॉक्स में स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स में एग्जीक्यूशन रिलेटेड एक ही हिच है, अगर वो डिसअपॉइंट करें उस पॉइंट पे तो स्टॉक लॉजिकली लाल होना चाहिए, देखते हैं बिहेव कैसा करेगा। फिर हरे में मैंने मैक्स एस्टेट्स को रख दिया, कल वो बोर्ड इंडक्शंस के अपडेट आए, न्यूयॉर्क लाइफ CIO जो है एंथनी मलॉय उनको बोर्ड में इंडक्ट कर लिया गया है। वैसे न्यूयॉर्क के साथ इनका वो मैक्स के साथ इनका वो करार भी चल रहा है जिसमें वो शायद 800 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले हैं, को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल के दोनों कंपनीज ढूंढेंगी, तो इनका इंडक्शन हो रहा है। प्लस हमारे जो डिक्सन टेक के अतुल लाल है ना PC और MD, वो भी अब मैक्स एस्टेट्स के बोर्ड मेंबर बन गए। बढ़िया है, बोर्ड अच्छा, इंडक्शन स्ट्रांग है। ICICI बैंक को लाल लेके जा रहा हूँ, कोई खास वजह नहीं, जिस तरह के ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए हैं IT और बैंक थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद दिखाएं, उसमें ICICI बैंक अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में है इस वीक की, उसके बीच अज्यूम नहीं लाल रखे। वैसे इसका ADR भी पेन है, अगर दिखा सकें डायरेक्टर साहब तो नजर आएगा। और फाइनली ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कल 4:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अगले 3 महीने के आउटलुक को लेकर, उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल्स को ग्रीन कर दिया। कोई स्पेसिफिक वजह नहीं कि बजाज चुनू, कोई सिम्फनी भी जा सकता था, कोई AC मैन्युफैक्चर भी जा सकता था, लेकिन सारे स्टॉक कल स्वेल्ड है, तो ठीक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, दिन के हाईस पे जा, कल ही सारे स्टॉक ऐसे ही बिहेव करें। वैसे IMD कह रहा है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस समर की तैयारी कर लीजिए, हीट वेव डेज कहीं ज़्यादा होंगे यूजुअल से, और ये सब अलनीनो का इम्पैक्ट होगा जो एग्रवेट करेगा सारा मूड मॉल, अगले 3 महीने बहुत दिक्कत आ रही है, एटलीस्ट उसकी एडवांस वार्निंग तो ऐसी है। इलेक्ट्रिकल्स ग्रीन रख दिया, पंखे कूलर सब में आती है। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 स्टॉक पूरे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप।